अच्छा तो हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि कंटेंट को हमें लूप से डिस्प्ले करवाना है। वैसी सेम प्रोसेस जैसा हमने आपको लिस्ट में समझाया हुआ था, आपने कहा वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ ए कॉलन, आपने यहाँ पर लिखा प्रिंट ए ऑफ आई और आई इक्वल टू आई प्लस वन। एग्जाम्पल को यदि हम रन करते हैं यहाँ पर तो बिल्कुल सारा कंटेंट यहाँ पर आकर डिस्प्ले हो गया है। और यदि हम ये चाहते हैं कि हमें कंटेंट को फॉर लूप से डिस्प्ले करवाना है तो भी हम बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने लिस्ट में पढ़ा हुआ है कि फॉर आई इन ए कॉलन प्रिंट आई। और एग्जांपल को यदि हम यहाँ पर रन करते हैं तो सारा का सारा कंटेंट आकर बिल्कुल डिस्प्ले हो गया है। तो दोनों पॉइंट सभी को क्लियर होने चाहिए यहाँ पर। अच्छा यदि हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर लिखा कि नंबर एट और आपने यहाँ पर पास कर दिया ए को, तो अभी आई क्या करेगा और सेकंड वेरिएबल हमने ले लिया यहाँ पर जे, तो आई के पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 आकर डिस्प्ले होने वाला है। एग्जांपल को हमने रन करा और यदि हम बात करते हैं जे की तो सभी को पता है लिस्ट में डिस्कस करा था कि जे जो है वो वैल्यूज़ को लाकर डिस्प्ले करवा देगा 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 1, 0, 3, 0। एग्जांपल को हमने यहाँ पर रन करा तो बिल्कुल आकर डिस्प्ले हो गई है। और यदि आप दोनों को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आपने क्या लिख दिया आई कॉमा जे, तो इससे कंडीशन पर बिल्कुल 0 के सामने 10, 1 के सामने 20, तो इस टाइप से कंटेंट आकर डिस्प्ले हो गया है। और हमने उस समय आपको एक पॉइंट और बताया था कि यदि आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है, अभी तो बाई डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट हो रहा था, ये हम चाहते हैं 101 से या फिर 1001 से, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। आपने इसको रन करा तो यहाँ पर कुछ ऐसा आउटपुट आकर डिस्प्ले हो गया, तो 1001 में 10, 1002 में 20। तो इस कंसेप्ट को भी ध्यान से नोट करके लिख लीजिए।